मेरे फोन ने रेकग्नाइज नहीं किया मेरे को जब मैंने अपनी दाढ़ी काटी, तो इट्स लाइक हु इज दिस गाय, आई वाज लाइक कम ऑन मैन, एंड लोग बोले अच्छा दाढ़ी के पीछे ये है, तभी साइमन ने इसको चुना, मतलब ऐसे ऐसे चीज। शदीप दास स्वामी द प्रीमियर एंड महेश निमाय सर वाज आल्सो देयर, दे बोथ वर स्टैंडिंग एंड केम इन फ्रंट ऑफ देम एंड सेड तू इतना अच्छा दिखता है अगली फिल्म तेरे साथ। इफ यू रियली look at it, yeah, as much as we want second season to happen, that will be the call of Netflix and the makers. अगर कोई अलग से इनका कुछ बनाना चाहता है, I'm really happy about it. मुझे हीरा मंडी as a series पूरा लगा मेरे को. The whole idea was to show that how we had this culture, such rich culture, and how it was destroyed by external forces. Hi guys, welcome to Filmy Beat. मैं हूं मुर्तुजा इकबाल और ये ओजी मुर्तुजा इकबाल आज मिलने वाला है इकबाल from हीरा मंडी से, who is here with us today. Hi, hello, salam. Salam. Rajat call and Rajat, welcome to Filmy Beat. Thank you. First of all, I'm the इकबाल from हीरा मंडी. आप लोग को लगता है he's the same guy? मतलब ऐसे आपने इस नोट पे स्टार्ट कर दिया, लेट मी टेल यू मेरे फोन ने रेकग्नाइज नहीं किया मेरे को जब मैंने अपनी दाढ़ी काटी, तो इट्स लाइक हु इज दिस गाय, आई वाज लाइक कम ऑन मैन, बट या मतलब दिस वाज आई डोंट नो, मतलब ये दाढ़ी तो मेरी हमेशा से रही है, और हीरा मंडी जब हुआ तो ये दाढ़ी जो है पूरे एक्सटेंड तक ग्रो हो गई है, उसके बाद देन आई वाज लाइक कि अब इसके इसके आगे जाएगा तो फिर पता नहीं क्या रोल मिलेगा। ये इतना सही था, बट ये हुआ है, लोग आके बोल रहे हैं वी कुडंट रिकॉग्नाइज यू द सेम पर्सन, एवरीबॉडी इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे आई थिंक वो विरल की एक पोस्ट आई थिंक मेरे लिए, तो उसमें उसमें बहुत सारे लोग ऐसे लिख रहे हैं कि अरे यार ये तो शो में काला था इतना गोरा कैसे हो गया, मतलब आई हैव लाइक दैट पोस्ट एक्चुअली, इट वाज क्वाइट फनी, एंड या बहुत लोग बोले थे कि यार ये तो बिल्कुल अनरिकॉग्नाइजेबल है, एंड लोग बोले अच्छा दाढ़ी के पीछे ये है तभी साइमन ने इसको चुना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे थे, बहुत आई थिंक बहुत प्यार मिल रहा है यार लोगों से, बहुत अच्छा लग रहा है। Right. But अगर मैं response की बात करूँ for your performance, not just the looks, but for your performance, how has that been? I mean, I know के there will be only praises, but ऐसा कोई एक praise या you know something that has really touched your heart and you were like, okay, मैं इतने साल से मेरे 10 साल के plus career में इसका ही wait कर रहा था। यार किसी का ज़्यादा या किसी का कम नहीं है, प्रेम तो सबका एक समान ही है। बट कॉम्प्लीमेंट तो मेरे को एक्चुअली संदीप दा ने दिया, मैंने एक्चुअली आई टोल्ड यू आई टोल्ड आई थिंक आई मेंशनड दिस ऑन द प्रेस मीट आल्सो, संदीप दा सॉ मी ड्यूरिंग द प्रीमियर एंड महेश निमाय सर वाज आल्सो देयर, दे बोथ वर स्टैंडिंग एंड आई केम इन फ्रंट ऑफ देम एंड सेड अरे तू इतना अच्छा दिखता है अगली फिल्म तेरे साथ, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, जो जो मेकर से ही मिल रहा है तो नथिंग लाइक इट, बट लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, everybody is so happy and all, I would like through your medium I would like to thank all my fans who have seen me from you know when I was just starting up, yeah, and they have you know stayed with me throughout my career and they are so happy and so thrilled and I can just only give them a lot of love, thank you for being there and supporting me all the time, yeah, so whatever little I do they've always been very supportive, so unka ek bahut hi major role hai is, they give that kind of energy and they give that push and you feel ki ha yaar, aur sir ne to alag hi ek level ka reassurance de diya aur bata diya ki bhai you can be more than what you can think you are, correct, so blessed. You know, I would like to know जब actually selection हुआ होगा and पता चला कि इस संजय लीला बंसाली series जिसमें इतना pivotal role है, उस time पे क्या reaction था आपका to hear about this? यार मैंने actually ना थोड़ा
रिएक्शंस निकलते नहीं है मेरे अंदर. अच्छा, इन सब सिचुएशन मतलब कैमरा में मैं जितना एक्सप्रेसिव करना चाहता हूँ होता हूँ, उतना मैं रियल लाइफ में नहीं हो पाता हूँ. I am an introvert kind of a person. I am shy. Achha, okay. But once I let go of that shyness, I am not so much of an introvert. I become very open and friendly and outwardly. Sorry, I forgot the question. It was ki reaction kya tha apne aap ke liye ki, you know, okay, I am doing a Sanjay Leela Bhansali. Oh, yeah. Jab pehli baar suna tha, of course, it's a Sanjay Leela Bhansali series. So, actually, when it came into my life, when casting people called me, yeah, they wanted to test me, things were not that good. I was going through a tough phase in my life. I lost my father in COVID. Sorry. Yeah, I'm also very sorry, because watching him go in a sack was like really bad. I hope this nobody gets to see this ever again. And but anyways, having said that, I was very numb actually. I didn't know. It was like, okay, I've got this opportunity, and in such a time where I was actually saying ki yaar main karun nahi karun, main life mein ye profession ko aage le jaun ki nahi le jaun, because ho rahi thi cheeze, but it wasn't happening at that pace. Correct. So I was not sure. But when this test came, it felt like ki okay yaar, there is some energy. I think dad has told me ki bhai kar le chupchap. It felt like it's a godsend message. And I said, let me just don't think so much about it. Just get yourself geared up and do it. Zoom pe ho gaya. And phir maine socha nahi iske bare mein. I had to cut off. Because already main itne stress se guzar raha hu. Uske baad ek test diya aur wo bhi nahi hua. So it would have been very difficult to take that kind of stress. So I forgot about it, and a couple of weeks later they called me again. They wanted to ask me again. Phir test hua, phir bhul gaya main. Phir jab phone aaya, bola ki sir ne select kar liya tumko, tab phir kuch alag hi ho gaya tha. Sir, main Lucknow ki galiyon mein ghoom raha tha. I had gone to buy some stuff, and I went into old Lucknow, Aminabad, and yahan pe wo tunde kabab. Those lanes are very small, so itna excited tha ki baat karte karte I actually reached Lahore, because Lucknow is almost like Lahore, you know, you have those glimpses you will see. You feel like my personal experience karke aata hu Lahore jaake, matlab mili kya mere ko, aur gaadi chala raha tha main, yahan pe buggy chala tha, wahan pe gaadi chala raha tha, to bahut surreal tha mere liye, and I'm glad this happened. Correct. You know, I would like to know ki maybe while you were shooting ya jab series ke पहले दिन या दो दिन में ये जो आई, कब सोचा था कि पीपल विल बी सो मच इंटरेस्टेड इन इकबाल एंड साइमाज लव स्टोरी दैट आई हैव एक्चुअली सीन रील्स जहाँ पे था कि यार बाकी सबको जाने दो, इनकी लव स्टोरी का क्या हुआ हमें वो जानना है, यू नो. एंड कहीं ना कहीं उस वो प्रेस मीट पे जो संजय सर ने ऐसी, मतलब आई डोंट नो इफ सीजन 2 इज हैपनिंग ऑर नॉट, बट एक ऐसे हिंट भी दे दिया था कि हाँ इनकी लव स्टोरी का देखेंगे ना सीजन 2 में, ही सेड दैट. सो आई वुड लाइक टू नो कि आपने कभी सोचा था कि ओके माई I would say the track would get such a response and people would be so much interested in knowing about my character's love story as well. नहीं यार, नहीं सोचा था मैं. मेरा तो focus ही यही था कि sir के series में काम करने का मौका मिल रहा है. I think that's really good to be true. And yeah. You know, and I was like कि नहीं, let's just not think so much. Script padhi thi, initially it was in a certain way, and then obviously because it's an ever evolving creative process, so changes hote rehte hain. But ye track bahut heartfelt ban gaya. Yes. I would like to thank Vibhu sir, who took special interest in writing Iqbal's character, Vibhu Puri sir. Ji. He's like my big brother. He was like, पता नहीं बाल का होगा क्या होगा नहीं होगा, but let's do it. And मेरे लिए तो already एक तरह से godsend था, तो मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था. मैं बोलता हूँ ये तो भाई, ये तो भगवान का, you know, ये वो है, आदेश है, इसको
इसको पालन करना है, इसको जस्ट फॉलो इट थ्रू. दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. आई हैड आई वाज नॉट थिंकिंग सो मच अबाउट एनीथिंग एल्स. एंड एंड द द द जॉब व्हिच एवरीबॉडी हैड टू डू वाज लाइक बैंग ऑन. एवरीबॉडी वाज जस्ट वांटिंग टू केटर टू व्हाट संजय सर विजन इज. एंड आई थिंक वही उसी एनर्जी पे सब लोग दे केम टुगेदर. राइट. Which was magical. You know, we didn't किसी के पास कुछ ज़्यादा सोचने का टाइम. और उन्होंने वैसा रखा भी, बिकॉज़ स्क्रिप्ट आपको पढ़ा तो दी थी उन्होंने, बट फिर जब जब शूटिंग का टाइम आता था तो वो आपको एक्चुअली क्या होने वाला है वो नहीं पता चलता था. वो आपको सेट पे जाके ही पता चलता था या एक रात पहले पता चलता. मेरे केस में तो मैं घर लॉक कर रहा होता था तब स्क्रिप्ट आती थी. Ki I'm leaving for a set and the script is going to be, what will I read now? So I would reach the set and sit in my green room vanity whatever and just then read through and rehearsals will happen and then wahan pe bhi fir changes hote the and tools were already provided. Sunita ma'am, Sunita Sharma ji, she was the dialect coach. She also did dialect for Dangal for Amir sir. So she was incredible. She really handled me and also was there throughout on the set with Vibhu sir also. तो इतना इतना डर का माहौल नहीं था. बहुत ही collaborative माहौल था. Everybody wanted to come together and create this new world. Correct. For the world to see. You know, I would like to know कि जैसे सर ने ऐसी बात करते करते मस्ती में बोल तो दिया सीजन टू का, बट कहीं पे भी लाइक नॉट संजय सर बट आपने किसी और की टीम से बात की है, कुछ भी पता चला कि मे बी सीजन टू होगा नहीं होगा, कुछ कहीं पे भी कुछ हिंट हुआ है आप लोगों को एज एन एक्टर्स? यार एक्चुअली देखा जाए तो इफ यू रियली लुक एट इट, एज मच एज वी वांट सेकंड सीजन टू हैपन, अब तो दैट विल बी द कॉल ऑफ नेटफ्लिक्स एंड द मेकर्स. एंड द मेकर्स, यस. बट मेरे को तो ये एज ए कम्प्लीट ही लग रहा है. अंदर अंदर मन में बोलता है कि नहीं होना चाहिए, कुछ एक एक्स्ट्रा निकल आए, क्योंकि फॉर साइमा एंड इकबाल इट्स लाइक अनदर हीर रांझा, सोहेल महिवाल एंड यू नो लैला मजनू, यू नो जो अधूरी प्रेम कहानियां. तो अगर कोई अलग से इनका कुछ बनाना चाहता है आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. बट मुझे हीरा मंडी एज अ सीरीज पूरा लगा मेरे को. द होल आइडिया वाज टू शो दैट हाउ वी हैड दिस कल्चर, सच रिच कल्चर, एंड हाउ इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस द ब्रिटिशर्स, एंड इट कैप्चर्स इट क्वाइट वेल विद द सीन्स हाउ दे हैव बीन कोरियोग्राफ्ड एंड प्लान्ड. एंड दैट्स समथिंग रियली अमेजिंग ऑफ संजय सर. आई हैव सीन ऑल हिज फिल्म्स एंड the way he sees the scene is very unique. It's very very different. The death scenes are very different. Yeah. Like in Gangubai, that death scene was like it gave me goosebumps. Correct. And I saw that woman just lying, just sitting. It's, yeah, it's really it looked difficult. Like she's yeah. still alive, but actually she was dead. It just it jolts you somewhere, you know. Makes Correct. You think. It makes you feel something else. So वो तो है. वो थोड़ा एक डार्क एंगल जो है वो है सर के कई सीन्स में दिखता है वो. यस बट दैट्स रियल ना, दैट्स रियलिटी. लाइफ इज नॉट ऑलवेज सनशाइन, यू नो. दैट्स ट्रू. इज डार्कनेस एज वेल. करेक्ट. सो लास्टली बिफोर आई रैप अप दिस थिंग, आई वुड लाइक टू नो नेक्स्ट इज विद अक्षय सर स्काई फोर्स, देयर इज समथिंग अबाउट दैट. हाउ हैज दैट बीन? हैव यू लाइक शॉट इट? क्या अपडेट है उस मूवी का बेसिकली? I have finished shooting for the film. Okay. And I think now they are in editing phase, I guess. I haven't met the makers in a while now. But that experience was amazing, yaar. I think pehli bari maine sir ko dekha, hum logon ka koi talky scene nahi tha. He just came and pehle to sir seriously ghuse. And I was like, you know, मेरे को कुछ सीरियस कुछ है लग रहा है. तो मैं खड़ा हुआ था, अचानक से कुछ तो बात हुई और मतलब द होल
सेट जस्ट बर्स्टेड आउट लाफिंग. तो पूरा मोमेंट ना आई थिंक वो ना पूरा पूरा उनका ना सिनेरियो ना वो पूरा ऐसे लाइट कर देते हैं. राइट, सच अ ब्यूटीफुल स्माइल. तो मतलब दिल पिघल जाएगा आपका कि वाह यार क्या बात है. राइट, यू नो. So he's I think he, that energy which he has, you know, that jovial and full, that munda wali energy, na, Punjabi munda wala, that's still there, yaar. Right. Bahut hi amazing hai, bahut hi playful hai, bahut hi friendly vibe hai unka. Matlab I would want to be his friend. Correct. You know, he's like that. Ki bindas and you know. बहुत विटी भी हैं ऑब्वियसली. तो अच्छा था उनके उनके साथ ज्यादा मतलब फनी मोमेंट एक हुआ था. एक्चुअली फनी क्या था वो सर ना वॉलीबॉल सबको पूछ रहे थे कि वॉलीबॉल खेलता है कोई. मैंने एकदम से ज्यादा बात करा सर क्योंकि फौजी भी बने हुए थे हम लोग. हाँ. तो एकदम से वो डिमीनर में भी था कि यस सर वाला. तो मैंने ऐसे कर दिया यस सर मैं खेलता हूँ सर. तो एकदम इधर उधर देखते हैं बोलते इसको तो बिल्कुल नहीं आता है पक्का. तो आई लाइक द वे ही वुड यू नो पुल पीपल्स लेग जोक अराउंड विद इट. फॉर डूइंग दैट या सो दैट काइंड ऑफ मेड यू फील दैट यू नो ही इज वेरी वार्म. राइट, करेक्ट. वो बहुत अच्छा था उनके साथ. बाकी सीन्स तो बहुत अमेजिंग थे उनके साथ. मजा भी आया मेरे को काफी कुछ. एक सीन था जिसमें हम लोग रनवे पे शूट कर रहे थे एंड तुम आए और सीन वीन किया उन्होंने और मेरी आंखें ना थोड़ी सी ऐसी नम सी हो रखी थी. तो उनको बड़ा अच्छा लगा. उन्होंने बोला यार अच्छा किया बहुत अच्छा किया. क्या लगाया तुमने क्या लगाया आंख में. लगा ले दोबारा एक और करते हैं लेट्स डू. एंड आई एम टेलिंग यू कि नहीं नहीं सर आप इस तरह इस एंगल में खड़े थे तो मेरे को अच्छा लग रहा था. बिकॉज़ द सन वाज रियली हिटिंग माय आई एंड आई वाज लाइक इट वाज लाइक मेकिंग इट रियली वाटरी एंड पेनफुल था. बट अच्छा था बिकॉज़ वो सीन में वर्क कर गया. करेक्ट. तो ये एनर्जी एक्चुअली सर भंसाली सर के साथ भी हमेशा रही है कि यू नो दैट एनर्जी यू सी समथिंग हैपनिंग ऑन सेट अराउंड with co-actors, with somebody has said, you take those little things and cook up a story. I got it, yeah. Cook up a story and then just, so that's, that this process has been really amazing. And because of Hira Mandi, obviously I'm able to now, because of, it's such a layered character, yeah. You can now also jog your mind in a lot of other things. Correct. So, वो उसी टाइम हो रहा था तो अच्छा है मजा आया मेरे को. और ऑब्वियसली मेरे डैड आर्मी में थे तो बीइंग डूइंग दिस फॉर द फोर्सेस इज आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट. रोल मैंने नहीं सोचा. अगेन इट वाज नॉट इट इज ओनली वेरी मे बी नाउ मूविंग फॉरवर्ड इट विल बी आई डोंट वांट टू गेट करप्ट बाय सेइंग दिस बट आई थिंक I was telling Vinay from E-Times ki ab aisa ho jayega ki it will become very tricky to choose what to do because there's a lot of content being made but being associated with something which will create the buzz is what where the game actually lies now. So I'm hoping with all your love and all the love which is already there around me I'm sure There's better, bigger things have gonna happen now. Right. Let's see. Correct. So Rajat, it was lovely chatting with you. All thank the best you. For future projects and thank you so much for being with us. Thank you for having me and thank you for showing so much keenness to talk to me. It was really lovely. I'm sorry. This is like the first time. Such no problem. Anything such big has ever happened at such scale as happening with me. So I'm still in under that grooming process maybe. Eventually I might make it more interesting for you. No, I don't know. More interesting work, but don't worry about that. Okay. Thank you so much. Thank you.